नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो खाने में बहुत टेस्टी है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं टेस्टी सा नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक शिमला मिर्च, दो हरी मिर्च, एक आलू, दो प्याज लिए। इन्हें हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। देखिए, मैंने सभी सब्जियां चॉपर में चॉप कर ली हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, सभी सब्जियां मैंने बाउल में निकाल ली हैं। अब हम इसके अंदर एक कप सूजी डाल देंगे और आधा कप दही डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधे कप के करीब। पानी हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है और इसे इस तरह चलाते हुए सभी सब्जियों को सूजी के और दही के अंदर मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और मिक्स कर देंगे। पानी थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालें, नहीं फ्रेंड जो बैटर है वो ज़्यादा पतला हो गया तो नाश्ता बनेगा नहीं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। मैंने 4 स्लाइस ब्रेड की ली है। अब हम इसकी साइड काट लेंगे। देखिए इस तरह से, आप बिना साइड काटे भी बना सकते हैं फ्रेंड, पर मैं साइड काट कर बना रही हूं। सभी स्लाइसेस इसी तरह काट लेंगे। अब मैंने एक कटर लिया है, आप कोई भी गिलास या छोटी कटोरी ले सकते हैं और इसके अंदर हम इस तरह से कट लगा लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। सभी ब्रेड इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने सभी स्लाइस गोल कट करके तैयार कर ली हैं। अब हम सूजी को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सूजी काफ़ी फूल गई है और ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। आधी चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, आप ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं। नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रख सकते हैं। मैंने आधी चम्मच नमक लिया है और आधी चम्मच ही हम इसके अंदर डाल देंगे चिली फ्लेक्स। और इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल नाश्ता है फ्रेंड, पर खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये बच्चों और बड़ों को सभी को काफ़ी पसंद आता है, आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। देखिए बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 पिंच के करीब मीठा सोडा डाल देंगे। इससे हमारा नाश्ता जो है काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बैटर बिल्कुल तैयार है, नाश्ता बनाने चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा रखा है। तवे के ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और थोड़ा सा ही तेल डाल देंगे ताकि बटर जले नहीं, और इसे इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रख देंगे जो हमने कट करके तैयार की थी। देखिए इस तरह से अच्छे से दबा दें ताकि ब्रेड जो है चारों ओर से अच्छे से सिक जाए। अभी इस होल के अंदर हम बैटर डाल देंगे। आप अकेले होल में भी फ्रेंड्स बैटर डाल सकते हैं। मैं ब्रेड के चारों ओर बैटर को लगा रही हूँ, आप अकेले होल होल में भी इसे लगा सकते हैं। देखिए मैंने चारों ओर ब्रेड के बैटर लगा दिया। इसे सिकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। हम इसे ढककर सेक लेंगे 2 से 3 मिनट तक। 2-3 मिनट बाद हम वापस से चेक करेंगे और इसे पलट देंगे।
अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। उलट पलट करते हुए हम इसे इसी तरह सेक लेंगे। दूसरी ओर भी आप बटर लगा लें। देखिए अच्छे से सिक गया है। अब हम दूसरी तरह बनाएंगे। आप बिना साइड काटे भी बना सकते हैं फ्रेंड। देखिए इसके अंदर मैंने हॉल किया हुआ है, इसमें थोड़ा बड़ा हॉल है और इसको हम बैटर से कवर कर देंगे। सिर्फ मैंने हॉल हॉल के अंदर ही बैटर लगाया है, चारों ओर नहीं लगाया है। जैसे आपका मन चाहे उस तरह से इस नाश्ते को बना सकते हैं। किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे ताकि जब हम इसे पलटें तो ये किनारे जो हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। जब ये हल्के कुरकुरे होंगे फिर खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। साइड से कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा बटर सूजी वाले बैटर पर भी डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। नाश्ता हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और अब हम इसे पलट देंगे। अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। दोनों ओर से हम इसी तरह उलट पलट करते हुए इसे सेक लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है और दो बूंद तेल में या बटर में आप इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा बटर ऊपर लगा देंगे ताकि इसमें शाइन आ जाए, जो दिखने में सुंदर लगे। ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा, ये बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। कोई गेस्ट आए तब भी ये नाश्ता बना सकते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसमें और सब्जियां ऐड भी कर सकते हैं या बिना सब्जियों के भी बना सकते हैं। बहुत ही कम मसालों से ये बनकर तैयार हुआ है। सभी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर बना है। देखिए फ्रेंड, हमारा टेस्टी सा नाश्ता तैयार है, खाने के लिए बहुत टेस्टी बना है, आप ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।